नमस्कार। अब हम प्रशिक्षण के बारे में बेसिक थोड़ा बात कर लेते हैं। यूपार्जन में पंजीयन की जो प्रक्रिया, उससे आप लोग काफी चिर परिचित हैं। जो पुराने ऑपरेटर हैं उन्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सामने वो पीपीटी दिखाई दे रही है क्या? मुख्य बिंदु, उपार्जन प्रक्रिया, कोई एक जन कन्फर्म कर दे। जी, दिख रही है। ठीक है जी। तो बाकी जो बेसिकली लॉगिन की प्रक्रिया, ये सारी चीजें आप जानते हैं, उसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। अगर कोई नया ऑपरेटर है तो फिर वो अलग से हमसे बात कर लेंगे, तो हम उनकी समस्या को हल कर देंगे। उपार्जन प्रक्रिया में जैसे पहले, बहुत पहले होता था, अब तो पिछले कुछ समय से एसएमएस की जो प्रक्रिया थी उसको बंद करके अब स्लॉट वाली प्रक्रिया अपनाई जाने लगी है। वही इस स्लाइड में बताया है कि जो एसएमएस प्राप्ति की प्रक्रिया में कई बार किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ता था, तो उसमें परिवर्तित कर दी गई उस व्यवस्था को। अब एसएमएस प्राप्ति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। नवीन व्यवस्था में क्या किया गया है, उसमें फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केंद्र पर तिथि और टाइम हेतु स्लॉट का चयन कर सकते हैं, वो स्वयं भी कर सकते हैं। उपार्जन केंद्र तिथि और टाइम हेतु स्लॉट का चयन नियत तिथि के पूर्व करना अनिवार्य होगा। सामान्य तौर पर उपार्जन प्रारंभ होने की तिथि से उपार्जन समाप्त होने के एक सप्ताह पूर्व तक उपार्जन केंद्र तिथि और टाइम हेतु स्लॉट का चयन किया जा सकेगा। कम से कम एक हफ्ते पहले का लेना है अपने को स्लॉट में समय, जो लास्ट डेट है। फिर ये भुगतान की व्यवस्था है। मैं टेक्निकल पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर फूड विभाग जो है उनसे जो संबंधित अधिकारी हैं वो आपको बेसिक जो जानकारी वो देंगे। जो मैं मुद्दे जो हमारे हम जो ऑपरेटर जो सामना करते हैं जिन समस्याओं का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहली एक समस्या ये है कि किसान का जो पंजीयन है वो आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है किसी कारण से, तो उसका समाधान क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कि या तो आधार डेटाबेस में जो वर्तमान मोबाइल नंबर दर्ज ही नहीं है तो ओटीपी प्राप्त नहीं हो सकता, तो क्या करना होगा? फिर उन्हें आधार केंद्र पर या पोस्ट ऑफिस में जाकर वर्तमान मोबाइल नंबर को उनको अपडेट कराना पड़ेगा अपने आधार पंजीयन में। एक तो ये है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आधार नंबर में सही मोबाइल नंबर दर्ज ही ना हो, इसलिए ओटीपी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसा इस कारण से, तो ऐसी स्थिति में ओटीपी प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास किया जाना उचित होगा, या अपना नंबर अपडेट कराना, मतलब नंबर आपका लेटेस्ट अपडेटेड होना चाहिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, और या जो पंजीयन में यूज हो रहा है फिर वो नंबर वही होना चाहिए। दूसरी समस्या क्या बनेगी? गिरदावरी में दर्ज फसल रकबा, सिंचित असिंचित रकबा एवं मौके पर बोई गई फसल का जो रकबा है, सिंचित असिंचित रकबा, उसमें अंतर होना। तो उसमें क्या है, एमपी किसान ऐप में दावा आपत्ति के विकल्प का चयन कर सही फसल रकबा, सिंचित असिंचित रकबा की स्थिति दर्ज कराना होगा। उक्त संबंध में संबंधित पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार से संपर्क कर समस्या का निराकरण करना होगा। आप मतलब ऑपरेटर उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो ये रास्ते हैं ये रास्ते बता सकते हैं, है ना। फिर तीसरा क्या है, गिरदावरी में संशोधन जब हो जाएगा उसके उपरांत ही फिर उनका पंजीयन हो सकेगा, नहीं तो नहीं हो सकेगा। फिर अगला क्या, एक समस्या आती है अपने को कि मूल भू स्वामी की अगर मृत्यु हो गई है तो वैसे केस में पंजीयन का न होना। तो फिर उसमें जो समस्या का हल है वो ये है कि खातेदार की मृत्यु होने पर जो वैध वारिस है, उत्तराधिकारी है, उसके नाम से पहले भूमि का नामांतरण होगा, उसके बाद ही वारिस के नाम से पंजीयन हो सकेगा। फिर है शामिलाती भू स्वामी होने पर पंजीयन किस प्रकार किया जाएगा। शामिलाती भू स्वामी होने पर सभी हिस्सेदार अपने अपने हिस्से में आने वाली भूमि पर बोई गई फसल का पंजीयन करा सकते हैं। फिर किसान की भूमि एक से अधिक जिला या ग्राम में होने पर पंजीयन किस प्रकार होगा, ये तो पहले भी आपने देखा होगा, ये कॉमन है क्योंकि एक किसान की भूमि कई अलग अलग जिलों में रहती है। ऐसे केस में यदि किसान की भूमि एक ही जिला के अन्य ग्रामों में है तो पंजीयन में दूसरे ग्राम की फसल के रकबे जोड़े जा सकेंगे। अगर एक ही जिले के डिफरेंट ग्रामों में है तो काम मतलब उसी पंजीयन सेंटर से हो जाएगा, लेकिन अगर अन्य जिले में है तो फिर क्या होगा, उसकी समग्र आईडी और आधार नंबर का उपयोग करते हुए दूसरे जिले में भी पंजीयन उसका किया जा सकेगा उसकी उस भूमि के लिए। फिर छठवां पॉइंट है, किसान द्वारा विक्रय उपज का भुगतान किन बैंक खातों में किया जाएगा, उसका जो भुगतान होगा वो किस खाते में आएगा अगर किसान के पास एक से अधिक खाते हैं, तो किसान के जो आधार लिंक बैंक खाता होगा उसमें ही भुगतान किया जाएगा। फिर यदि किसान अपने मोबाइल से पंजीयन नहीं करा पा रहे हैं तो अन्य विकल्प क्या होंगे, तो ये तो हमें पता ही है कि एक तो हमारी समिति स्तर पे ही है जो आप लोग अभी ऑपरेटर्स ट्रेनिंग में, उनको करना है। इसके अलावा वो एमपी ऑनलाइन कियोस्क और कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क पर भी जाकर पंजीयन करा सकते हैं। एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क द्वारा किस प्रकार पंजीयन किया जाएगा, तो एमपी ऑनलाइन कियोस्क और कॉमन सर्विस सेंटर किसान के एमपी किसान एक गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है, उसको डाउनलोड करके वो लोग पंजीयन करेंगे,
उसके लिए संबंधित जो एमपी ऑनलाइन और कॉमन सर्विस सेंटर के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल मैनेजर रहते हैं उनको इसका है पूरा कम्युनिकेशन, तो वो लोगों ने उनको इस बारे में बता रखा है। फिर अगला है सिकनी बटाईदार कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसान के पंजीयन कहाँ किए जा सकेंगे। तो ऐसे किसानों को सहकारी समिति एवं सहकारी विपणन संस्था स्तर पर स्थापित पंजीयन केंद्रों पर ही पंजीयन इनका हो सकता है। किसान द्वारा दर्ज कराए गए नाम एवं भू अभिलेख डेटा में दर्ज नाम में अंतर होने पर क्या करना होगा, ये समस्या बहुत आती है। तो उसमें किसान द्वारा जो नाम आधार से अगर भिन्न है तो फिर किसान को पहले अपने आधार केंद्र पे या पोस्ट ऑफिस में जाकर आधार पे अपना नाम संशोधित करवाना होगा, तभी पंजीयन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और अगर जो किसान का दर्ज कराया नाम भू अभिलेख से भिन्न है तो फिर राजस्व अधिकारी से उनको संपर्क करना पड़ेगा और फिर वो भू अभिलेख के डेटा में उनको संशोधन कराना होगा। फिर ये जो स्क्रीन है कॉमन स्क्रीन है, ये ऑपरेटर जानते हैं, हमको रबी 2024-25 पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर राइट साइड में अन्य उपयोगकर्ता में पंजीयन केंद्र है उसका चयन करना है। फिर आपको अपना जिला का चयन करते हुए अपने पंजीयन केंद्र को चयन करना है। ऑपरेटर चूंकि यहाँ से खाद्य कार्यालय से स्थापना के वक्त उनकी ऑपरेटर की जानकारी डालते हैं, तो वहां ऑपरेटर का संबंधित ड्रॉप डाउन में डिटेल आ जाएगी, वो डालना है। ओटीपी जनरेट करना है, ओटीपी का अंकित करके फिर अपना पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉग इन करना है। इसके बाद इस तरह की स्क्रीन आएगी जहां पर पंजीयन का प्रकार चुने तो वहां से आपका पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ये तो बेसिक टेक्निकल है, इसमें जो पुराने ऑपरेटर वो जानते हैं, लेकिन जो मुख्यतः बायोमेट्रिक वाली समस्या आती है उसको मैं जरूर यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये पीडीएफ दिखाई दे रहा है क्या, ये अभी दिख रहा है बायोमेट्रिक उपकरण इंस्टॉल करने वाला स्क्रीन पे, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। तो अब मैं टेक्निकली ये बता देता हूँ कि बायोमेट्रिक अगर उपकरण का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या तरह की बेसिक एरर आती है। कई बार एरर आती है वो इस तरह का लिखा रहता है कि अपने को समझ में नहीं आता कि क्या मतलब है इस एरर का, तो उस एरर के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए अगर आपका एरर का आ रही है इस तरह की E307 एरर, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये होता है, इसका संभावित कारण ये है कि UIDAI की आधार ऑथेंटिकेशन सेवा अवरोध होने के कारण, यानी कि ये सर्वर की प्रॉब्लम है, आधार सर्वर की UIDAI की। तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, ना तो यूपार्जन से कुछ हो सकता है। आधार की जब सुधार होगा उनके सर्वर में तो ऑटोमेटिकली आपका ये सिस्टम काम करने लगेगा। यानी E307 अगर ये एरर आ रही है तो अपन को थोड़ा समय इंतजार ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता इसका नहीं है। मान लीजिए आ रही है एरर 842, तो इसमें इसका क्या संभावित कारण? एक इसका जो संभावित कारण है और जो टेक्निकली मैं बताना भी चाहूंगा कि अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में विंडोज 7 डला हुआ है तो आपको वो हटा देना चाहिए, कम से कम विंडोज 10 का उपयोग करें आप। विंडोज 7 में क्या है, या विंडोज 7 का क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अब सपोर्ट हटा लिया है, तो कोई भी अन्य सॉफ्टवेयर अगर चलेंगे और एरर भी आएगी तो उसका कोई सपोर्ट आपको देगा नहीं, तो अपन को विंडोज 7 से ऊपर अब आना पड़ेगा। फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि कियोस्क पंजीकरण केंद्र के में उपयोग किए जाने वाले लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे UIDAI सर्वर का अपडेट सटीक नहीं है, यानी जो अपडेटेड वर्जन होना चाहिए वो इंस्टॉल ही नहीं है बायोमेट्रिक का, तो ये इस कारण भी एरर 842 आ सकती है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है, पिछले वाले का समाधान था कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जब UIDAI सर्वर अप होगा चलने लगेगा तो अपने आप समस्या हल हो जाएगी। इसका समाधान ये है कि हम विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में अपना बायोमेट्रिक डिवाइस को इंस्टॉल कर लें, अथवा लैपटॉप डेस्कटॉप का जो टाइम है, जो अपना अपना कंप्यूटर में कई बार ये रहता है कि कोई अलग डेट आ रही है, कोई अलग टाइम आ रहा है, तो वो एकदम लेटेस्ट होना चाहिए, तो उसको ऑटोमेटिक कर दीजिए आप, तो वो ऑटोमेटिकली आज की दिनांक और समय ले लेगा। तो ये आपका उससे चेक करता है, एक्चुअली अपना जो सॉफ्टवेयर रहता है बायोमेट्रिक का, वो चेक करता है सिस्टम का डेट और टाइम, कहीं कोई गलत तो नहीं है, अदरवाइज तो फिर आपको बायोमेट्रिक चलाने नहीं देगा। अब मान लीजिए तीसरी इस तरह की भी एरर सामने आती, इनवैलिड वैल्यू इन द बीएस एट्रीब्यूट ऑफ बायो एलिमेंट विद इन पीआईडी 0, इस तरह का अगर कोई मैसेज आ रहा है जो आपके सामने स्क्रीनशॉट में ये लगा हुआ है, अगर ऐसा आ रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है? कि डिवाइस को ई उपार्जन में दिए गए डिवाइस ड्राइवर से इंस्टॉल नहीं किया गया। क्या होता है कि हम लोग चूंकि गूगल वगैरह चलाते हैं तो कई बार बायोमेट्रिक डिवाइस जो यूज कर रहे हैं उसका जो ड्राइवर है वो अपन गूगल में सर्च करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल तो हो जाता है लेकिन वो क्या है, वर्जन वगैरह की प्रॉब्लम के कारण उसको सपोर्ट नहीं करता। तो हमको क्या करना है, ई उपार्जन में जो डिवाइस ड्राइवर दिया गया वेबसाइट में वही यूज करना है इसमें,
अपने मन से कोई नहीं करना है। यही समाधान में बताया कि ई उपार्जन में दिए गए डिवाइस ड्राइवर से इंस्टॉल करें, कहीं गूगल से या व्हाट्सएप के माध्यम से मिले हुए को नहीं करना है, ठीक है। अब एक एरर आती है अनहैंडल एक्सेप्शन, इस तरह का एक आपको मैसेज आएगा जिसमें ये रेड रंग का क्रॉस लगा होगा, तो ऐसी समस्या में क्या करना है, इसका कारण क्या है। एक तो भाई कि आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, विंडोज 10 का उपयोग नहीं कर रहे हैं, या बायोमेट्रिक डिवाइस आपने इंस्टॉल तो कर लिया है, इसके बाद जब इंस्टॉल होता है तो आपको एक बार अपना लैपटॉप डेस्कटॉप जो है एक बार रीस्टार्ट कर लेना चाहिए, ताकि उसका जो डिवाइस ड्राइवर वगैरह है सब अपना प्रॉपर सेट हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया और अपन डायरेक्ट बिना रीस्टार्ट किए दोबारा अपना काम बायोमेट्रिक का यूज कर रहे हैं तो वो एरर ये वाली आ सकती है। फिर क्या है, अगर आपने ड्राइवर तो इंस्टॉल कर लिया, लेकिन क्या होता है ड्राइवर को एक आरडी सर्विस की जरूरत पड़ती है, ये सुरक्षा मानक कह लीजिए, सुरक्षा मानक के हिसाब से एक आरडी सर्विस की जरूरत पड़ती है। अगर आपने सिर्फ डिवाइस ड्राइवर डाल दिया है तो भी एरर आ जाएगी, आपको आरडी सर्विस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और आपने मान लीजिए आपके हो सकता है कि कंप्यूटर लैपटॉप में कोई एंटीवायरस ऐसा डाला हो, वो जो है उसको बायोमेट्रिक डिवाइस को या जो आपका इंस्टॉल एप्लीकेशन है उसको रन ही नहीं करने की अनुमति दे रहा हो, यानी उसको ब्लॉक कर रहा हो, तो इस कारण से भी एरर आ सकती है। या तो ऐसे केस में एंटीवायरस हटाया जाए या एंटीवायरस से अनुमति दिया जाए कि इसको चलने दिया जाए। तो इसके समाधान क्या है, एक तो पहले विंडोज 10 हमको अपने कंप्यूटर लैपटॉप में रखना है, फिर आइए दूसरा, अगर हमने कभी भी कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, बायोमेट्रिक डिवाइस या सर्विस इंस्टॉल किया, तो एक बार अपने कंप्यूटर लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लीजिए, फिर डिवाइस ड्राइवर के साथ साथ आरडी सर्विस को भी इंस्टॉल कर लीजिए, और फिर आरडी सर्विस को के इंस्टॉल करें तो फिर दोबारा सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिए, और बायोमेट्रिक डिवाइस और इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को अपने एंटीवायरस से परमिशन देनी पड़ेगी, या तो एंटीवायरस को डिसेबल करें जब तक हम अपना ई उपार्जन का काम कर रहे हैं, या उससे अनुमति दें कि हमारे वो डिवाइस ड्राइवर को ब्लॉक ना करें। फिर पांचवें नंबर पे इस तरह की एरर आ सकती है, आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, एरर 300, सम सर्वर एरर व्हाइल प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। तो ऐसे में क्या इसका सही मतलब क्या संभावित कारण हो सकता है कि आपका जो डिवाइस है सर्विस है जो UIDAI की वो काम नहीं कर रही है, वो ऐसे केस में एरर आती है। तो इसका मतलब है ये वाली एरर जो है 300 वाली, ये भी हमारे हाथ में नहीं है, UIDAI की प्रॉब्लम है, उनकी साइड से प्रॉब्लम है, तो इसको अपन थोड़े दिन देर के बाद ट्राई करें तो हो सकता है वो चल जाए, क्योंकि ना तो उपार्जन की प्रॉब्लम है ना आपके जो कंप्यूटर लैपटॉप है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, UIDAI की सर्वर की प्रॉब्लम। एक आ रहा है एरर 400, यानी OTP वैलिडेशन फेल्ड। तो इसमें तो संभावित कारण यही है कि OTP का सत्यापन फिपल हो गया, यानी हो सकता है कि टाइप करते वक्त आपका OTP जो है वो गलत एक आठ डिजिट हो गई हो, इसलिए सावधानी से अपना सही OTP दर्ज करेंगे तो ये समस्या 400 वाली एरर नहीं आएगी। एक मैसेज आ सकता है किसान के EKYC हेतु मोबाइल नंबर पर OTP सेंड नहीं हो पा रहा है, मतलब OTP ही नहीं जा रहा है। तो एक तो आपका इसमें एक रीजन हो सकता है कि आपके यहाँ जो किसान जो आए हुए हैं उनका मोबाइल जो नेटवर्क है वो ही वहां पे ठीक से काम ना कर रहा, तो वो OTP नहीं पहुंच पाएगा, या तो फिर आपका जो ऊपर अपन ने बात की थी कि उनका मोबाइल नंबर आधार से लिंक ना हो, या UIDAI की सर्विस में भी हो सकता है कि कुछ टेम्पररी समस्या हो, कुछ देर के लिए ऐसी समस्या आ जाती है उनके सर्वर, उस कारण से इशू आ रहा हो। फिर इसका समाधान क्या है, एक तो हम OTP वाले की जगह बायोमेट्रिक डिवाइस से उसको ऑथेंटिकेशन उनका कर ले, किसान का आधार ऑथेंटिकेशन बायोमेट्रिक डिवाइस से कर ले, OTP भेज ना करें। अब ये गिरदावरी अपडेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें पहला है कि किसान का सही खसरा नंबर प्रविष्ट करें, इस तरह का मैसेज आपको आ रहा है, तो फिर या ऐसा आ सकता है गिरदावरी ऐप पर किसान की भूमि संबंधित उपलब्ध जानकारी उपलब्ध नहीं है, ये कॉमन मैसेज है, ये सबसे ज्यादा परेशान करने वाले मैसेज है जो आते ही है। तो इसका मतलब क्या है, ये ना तो आप कुछ कर सकते हैं ना जिला स्तर से कुछ कर सकते हैं, किसान को अपना गिरदावरी का डेटा राजस्व विभाग से वहां संबंधित पटवारी से मिलकर अपना गिरदावरी का डेटा जो है वो अपडेट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो समाधान यही है कि उनको अपना जो गिरदावरी में अपने खसरे को अद्यतन करवाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये गिरदावरी सर्वर से रिलेटेड एक स्क्रीन है जो पटवारी जी लोग सब लोग जानते हैं इसको अच्छे से। अब एक ये पंजीयन में खसरा ही उपलब्ध नहीं है, तो उसका संभावित कारण क्या है, एक तो जब अगर कोई नवीन गांव स्थापित होता है तो उसके कारण खसरे की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं रहती है, दूसरा जो खसरे पर गिरदावरी में वो फसल है जिसका पंजीयन नहीं किया जा रहा है, मतलब अभी जो उसका पंजीयन नहीं हो रहा और खसरे में वो वाली फसल है तो भी आपका जो पंजीयन है उसमें वो ये मैसेज देगा कि पंजीयन में खसरा उपलब्ध ही नहीं है।
तो अगर नवीन गांव स्थापित होने की स्थिति में फिर अपन को ई उपार्जन की ये मेल आईडी लिखी हुई है eupargenmp@gmail.com, इस पर संबंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लेटर भेजना होगा तो वो वहां से उसको जोड़ देंगे। फिर खसरों पर फसल सिंचित असिंचित रकबे की जानकारी एमपी किसान ऐप के द्वारा देख लें, अगर कोई अंतर होता है तो फिर राजस्व अधिकारी इसमें मदद कर सकते हैं, उसमें दावा पत्ति करना पड़ेगा और उसके बाद वो उस पर आवश्यक बदलाव कर देगा। तो तकनीकी रूप से मेरी तरफ से इतना ही था जानकारी, इसके बाद खाद्य विभाग से अनुरोध है कि वो आगे की बात अपनी कहे। धन्यवाद।